भैया ये कंपनी बहुत कम पैसे दे रही है, क्या ज्वाइन करें कि ना करें? ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत लड़कों का आता है और बहुत लड़कों के अंदर एक क्वेश्चन रहता है, ठीक है? तो इसी के बारे में आज की इस वीडियो में काफी अच्छे से मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि भैया आपको सैलरी देखना है, जॉब देखना है, फील्ड देखना है, या कंपनी ब्रांड देखना है, क्या चीज़ देखना चाहिए और तब जाके ज्वाइन करना चाहिए, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में काफ़ी अच्छे से मैं बताने का कोशिश किया हूँ। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिर सबसे पहले ये जान लेते हैं कि लड़कों का सपना क्या रहता है, हमारा सपना क्या रहता है कि भैया खूब अच्छा घर बनवाएंगे, गाड़ी लेंगे, खूब मस्ती में मतलब लाइफ कटेगी, जब हम लोग कॉलेज में रहते हैं, ठीक है? और कॉलेज की लाइफ और उसके बाद से कंपनी की लाइफ टोटली डिफरेंट होता है। कॉलेज की लाइफ में हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं कि कंपनी में जाएंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत जल्दी ग्रो कर जाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन जब कंपनी में जाते हैं तो एक्चुअली वहाँ पे कुछ और भी हो रहा होता है। हम लोगों के भी टाइम में कंपनी आती थी तो हम लोग भी देखते थे, अरे यार कितना पैसा दे रहा है, कौन सा कंपनी पैसा ज़्यादा दे रहा है, कौन सा 12,000 दे रहा है, कौन सा 18,000 दे रहा है, कौन सा 16,000 दे रहा है, जो 18,000 दे रहा है, अरे आज उसमें जो हो गया बहुत किस्मत वाला है, ऐसा हो रहा था, ठीक है? लेकिन आप लोगों को इससे दूर रहना है, थोड़ा सा दूरी बनाना है इससे। और कुछ लोग ज्ञानी भी मिलेंगे आपको जो आपको ऐसा बताएंगे कि भैया हम तो 10,000 रुपये तो यार हम घर पे एक काम करके हम कमा लेंगे, 12,000 रुपये तो हम ऐसे करके कमा लेंगे, 18,000 तो हम ऐसे कमा लेंगे। हाँ, तो इन लोगों से भी थोड़ा सा दूरी बना के रहिएगा। अगर कोई बिजनेस आइडिया है आपके मन में तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, अगर बिजनेस छोटा भी बिजनेस है कर सकते हैं, बिजनेस का कोई इशू नहीं है, लेकिन इस टाइप के लोग से थोड़ा सा दूरी बना के रहिएगा। अब हम बात करते हैं मेन पॉइंट की कि हमको कम सैलरी में जाना चाहिए और हमको सैलरी देखना चाहिए कि क्या देखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किसी भी कंपनी में जाना है, अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आपको किसी कंपनी में अभी पहली बार कंपनी में जा रहे हैं, तो आपको उसमें पता ये करना चाहिए कि फील्ड कौन सा है जिस कंपनी में हम जा रहे हैं, किस फील्ड में जा रहे हैं, और जो फील्ड में हम जा रहे हैं वो फील्ड एक्चुअल में उसमें स्कोप है कि नहीं है, वो ग्रोथ है कि नहीं है उसमें लड़कों का, और जल्दी ग्रोथ है कि नहीं है, ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। कंपनी के बारे में क्या देखना चाहिए कि उस कंपनी में, देखिए बड़ी कंपनी भी बहुत मत देखिए, ठीक है? बहुत लोगों का ऐसा थिंक रहता है कि भैया ये तो टॉप 10 में है, टॉप 5 में है, वो उससे भी थोड़ा सा दूरी बनाइए, थोड़ा सा, ठीक है? क्योंकि अभी हमको सीखना है, ठीक है? तो हमें वैसी जगह जहाँ पे पे हमको जाना सीखने को मिले, ठीक है? तो जो भी कंपनियां आ रही हैं तो उन कंपनियों से, कंपनियों के बारे में आप किसी ना किसी के माध्यम से पता करवाइए, ठीक है? कि अंदर का क्या माहौल है, बहुत बाहर का ब्रांड देख करके मत जाइए कि ये बहुत अच्छा ब्रांड कंपनी है, अंदर का वातावरण क्या है, किस टाइप का है, ठीक है? जल्दी जल्दी निकालने वाले हैं लोग, या फिर से रिस्पेक्ट दिया जाता है, काम सीखने की अपॉर्चुनिटी मिलती है कि नहीं मिलती है, ये चीज़ देखिए, ठीक है? अगर आप पता भी कर रहे हैं किसी कंपनी के बारे में उस टाइम में जब आपको जॉब जाना है, जो किसी कंपनी में जाना है, तो उस कंपनी के बारे में अगर आप पता भी कर रहे हैं, तो एक वीडियो में बताया भी हूँ, यहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ कि आपको उस कंपनी के किसी न किसी आदमी से कांटेक्ट करना है, ठीक है? या कोई काम करके निकल गया है उससे कांटेक्ट कीजिए, या फिर से कोई काम कर रहा है उससे कांटेक्ट कीजिए, और कैसे कांटेक्ट होगा एक वीडियो में पूरा अच्छे से बताया हूँ, ठीक है? तो यही चीज़ है, आप उसके बारे में जानिए, पैसा स्टार्टिंग में पैसा मत देखिए, पैसा दाल चावल खाने भर का मिल रहा है और थोड़ा बहुत इधर उधर उड़ाने के लिए मिल जा रहा है, वो इनफ है, आपके पूरे सपने पूरे होंगे, जो आप गाड़ी का, बंगला का, जो भी देख रहे हैं सब पूरे होंगे, और एक जो आपके जो साइड में मिलेंगे जो कहेंगे कि 10,000 तो हमें यहाँ पे भी कमा लेंगे, तो भैया वो 10,000 ही कमाएंगे, 5 साल भी हो जाएगा तो 10,000 से 15,000 जाएंगे, लेकिन शायद आप 5 साल में कोई कंपेयर ही नहीं रहेगा उनसे, ठीक है? स्ट्रगल है, स्टार्टिंग में स्ट्रगल है, और स्ट्रगल कौन नहीं किया है भैया, स्ट्रगल तो हर एक आदमी करता है, कोई भी सेलिब्रिटी देख लीजिए, कोई
कोई भी मतलब सब सब छोटी जगह से उठ के स्ट्रगल करके ही गए हैं। तो आपको 2 साल स्ट्रगल करना है, 1 से 2 साल आपको स्ट्रगल करना है, इतना नहीं कर सकते। जो सपना पूरा करना है तो स्ट्रगल करना पड़ेगा, और होगा, पूरा भी होगा सपना, ठीक है। स्टार्टिंग में स्ट्रगल कीजिए, काम सीखिए, जानकारी लीजिए, पैसा मिल जाएगा। जानकारी हो गई तो उसके बाद से तो आप पैसा अपने अपने हिसाब से जाएंगे फिर किसी कंपनी में, ठीक है। आप ऐसा नहीं रिज्यूम जगह जगह नहीं सेंड करेंगे, ठीक है। आपको खुद कंपनी में कहीं ना कहीं से आपको कॉन्टेक्ट करेगी कि भैया आ जाइए मेरे वहाँ, जब जानकारी हो जाएगी आपको तब। तो सैलरी मत देखिए कि कम सैलरी है कि ज़्यादा सैलरी है, आप ये देखिए कि कंपनी कैसी है, काम सीखने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और जो लोग 1-2 साल का मतलब करके घर बैठे हुए हैं, उनके लिए तो भैया अगर कितने रुपए का ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि आपका इंसल्ट होगा तो ये होगा, फिर से अब जाएंगे ज्वाइन करेंगे, कहेंगे सब कि 3 साल हो गया आपको कॉलेज किए हुए और अब आके ज्वाइन कर रहे हैं। ये सब छोड़िए, ये सब जब तक ये रखेंगे तब तक आपको ये सब लगेगा। एक बार जब काम पकड़ लेंगे ना तो सब खत्म हो जाएगा। आप भी अगर कहीं पे भी मिल रहा है तो तुरंत आप ज्वाइन कीजिए और जाइए और काम को सीखिए पहले, ठीक है। जानकारी लीजिए, मैनेजमेंट के बारे में सीखिए, कहीं कोई वर्कर झगड़ा कर रहा है तो उसको कैसे मैनेज करना है, किसी काम को किस टाइप से हमको जल्दी करना है, मेंटेनेंस किस हिसाब से हमको रखना है, ठीक है। तो हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से जानकारी लीजिए, ठीक है। और जानकारी लेते लेते बिजनेस का भी आइडिया निकालिए, ऐसे आदमी आगे जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।